माया कभी भगवान के सामने नहीं आती, भगवान के सामने आने में माया को लज्जा आती है, लज्जित होती है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के बच्चों को माया संसार में बहुत बड़ा दंड देती है, इसलिए उसको लज्जा आती, भगवान के सामने नहीं आती। लेकिन उसको मालूम है कि भगवान ने उसको ये काम दिया है कि यहां जो जीव है उनको माया दो काम करती है, एक तो उनके किए हुए अपराधों का दंड देती है और दूसरा उनको शुद्ध करके भगवान के पास भेजने के लिए तैयार करती है। जैसे जेल में कोई जाता है ना तो उसको दंड तो मिलता है लेकिन सुधारते हैं कि दोबारा जेल में ना आए, तो ये माया के दो काम है। तो माया क्या है? भगवान के पूर्ण वश में है, माया पूरी रूप से भगवान के वश में है। जैसे छाया हमारे वश में होते हम अपना हाथ हिलाएंगे तो छाया में हाथ हिलेगा, ऐसे भगवान के माया पूर्ण वश में है। आज ये बात आप याद कर लीजिए कि पाप और माया ये दोनों भगवान की पीठ में रहते हैं। अगर हम भगवान के सन्मुख रहेंगे तो न हमारे को माया पकड़ेगी और न ही हमसे पाप होगा। आप देखो मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने होते हैं तो कोई गलत काम करने का विचार भी नहीं आएगा, शांति भी रहती है। बाहर निकलते हैं भगवान को पीट देते हैं तो परेशानी चालू हो जाती है। सो माया को भी देखा जो भगवान के पूर्ण